मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ इस घर में मेरे सामने खड़ी हो। तो यकीन कर लो। अब अस्का, मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। ठीक तो हो? बीमार सी लग रही हो, क्या हुआ? अल्तमश का साथ रास्ते नहीं आया क्या? तुमसे किसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? अल्तमश ने बताया। तुम्हारा रोज बात करते हो, मिलते भी हो क्या? क्या हो गया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओ आई थिंक तुम भूल रही हो कि मैं अब रुतबा मेहर अली नहीं बल्कि रुतबा खुर्शीद हसन हूँ। और अल्तमश तो मेरा कजन है, मैं उससे मिल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। क्यों पप्पो, कोई पाबंदी है क्या? रुतबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम यहाँ इस घर में मेरे सामने खड़ी हो। तो यकीन कर लो कि मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। यूनिवर्सिटी जा रही थी तो सोचा आप सबसे मिलती हुई चली जाऊं। बाबा हमेशा कहा करते हैं कि बगैर रिश्तों के इंसान बगैर शाख और पत्तों के दरख्त जैसा होता है, जो चाहे जितना भी बुलंद क्यों ना हो जाए फिर भी उस पर फल नहीं लगता, फिर बगैर फल के ही रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो रिश्ते भी निभा कर देखते हैं। खुश रहो, आबाद रहो, तुम्हें देख के तबीयत निहाल हो गई, अब आती जाती रहना। अच्छा जरूर पु, क्यों नहीं, चलती हूँ अल्तमश, तुम अस्का का ख्याल रखना। इतना सब कुछ किया है इसने तुम्हारे लिए। तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है। फर्ज तो निभा रहा हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बाहर से छोड़ देता हूँ। हाँ अल्तमश, छोड़ा उसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।